हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपके साथ गुजरात की एक फेमस रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है ढोकला। वैसे तो ढोकला कई तरीके से बनाया जाता है, चने की दाल से, चावल से, समा के चावल से, पर आज मैं आपके साथ सूजी के ढोकले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सूजी से बना ढोकला बहुत ही अच्छा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट है और इसे बनाने में बहुत ही कम तेल लगता है, इसलिए ये सभी खा सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये डाइजेस्ट हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे सूजी का बहुत ही अच्छा स्पंजी ढोकला बनेगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें ये इंग्रेडिएंट। इसके लिए लेंगे 1 कप सूजी, ये बारीक सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप उसे मिक्सर में थोड़ा सा चला लें जिससे वो बारीक हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दही और मिक्स कर लेते हैं। 1/2 इंच अदरक को यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया है, ये डाल देते हैं। और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 छोटी चम्मच शक्कर, ये ऑप्शनल है। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ डालते हुए मिक्स करना है। इसका हम थिक बैटर बनाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, इसका बैटर तैयार हो चुका है। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी भी रखी हमने। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए सेट होने देते हैं। 10 मिनट होने वाले हैं तो हम स्टीमर गरम करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैं इडली ओवन का यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह स्टीमर या फिर कढ़ाई या फिर प्रेशर कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सेम प्रोसेस रखनी है। बस अगर आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी विसल को आप निकाल लें और फिर ढोकला बनाएं। आप किसी भी बर्तन में ढोकले को बना सकते हैं। यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डालना है और इसमें स्टैंड रख देते हैं जिसके ऊपर हम ढोकले का बर्तन रखेंगे। अब इसे ढक कर गैस की फ्लेम को तेज कर पानी को बॉईल कर लेते हैं। स्टीमर गर्म करने के लिए रख दिया है और अब यहाँ पर ढोकले के बर्तन में तेल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक टिन का यूज़ किया है। आप किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। आप स्टील के बर्तन में भी ढोकला बना सकते हैं। अब इसे तेल से ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से। और 10 मिनट भी हो चुके हैं। ये देखिए, बैटर अच्छे से फूल गया है और ये थिक भी हो चुका है। तो इसमें भी थोड़ा सा पानी और डालकर इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, नहीं तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर ढोकला उतना अच्छा स्पंजी नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और मिक्स करके देखें। ये देखिए, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ये बिल्कुल इडली का जो बैटर होता है वैसे इसकी कंसिस्टेंसी है। ना ज़्यादा गाढ़ा है, ना ज़्यादा पतला है और रनी नहीं है। जैसे आप चम्मच से गिराएंगे तो बिल्कुल इजीली नहीं गिर रहा है, धीरे से गिर रहा है। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें डाल देते हैं 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच इनो, ये डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस ये इनो मिक्स हो जाए तब तक फेंटेंगे, नहीं तो अगर इसके बबल्स हट गए तो ढोकला अच्छा स्पंजी नहीं बनेगा। तो आपको इसको सिर्फ मिला के फटाफट मिक्स कर लेना है और इसे पॉट में डाल देना है। बर्तन को 2-3 बार इस तरीके से टैप कर लेते हैं। यहाँ देखिए, स्टीमर में पानी अच्छे से ये उबलने लगा है, गर्म हो गया है। तो अब बर्तन को रख देते हैं और इसे अब ढक कर मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट तक हमें स्टीम करना है। 20 मिनट हो चुके हैं। ढोकला चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ढोकला अच्छा बन गया है और अच्छा ये इसमें स्पंज भी आ गया है। तो इसे अब नाइफ से चेक कर लेते हैं।
नाइफ को आपको बीच में डालना है और निकाल के चेक करना है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है। अगर नाइफ निकालने पर कुछ मिश्रण उसमें चिपका हुआ आता है तो यानी कि ढोकले को हमें थोड़ी देर और पकाना होगा, तो आप उसे ढककर थोड़ी देर और पका लें और फिर चेक करें। गैस को यहाँ बंद कर दिया है, ये तैयार हो चुका है हमारा ढोकला। ढोकले के बर्तन को स्टीमर में से नहीं निकालेंगे, अगर हमने निकाल के बाहर रख दिया तो वो बिल्कुल स्पंज खत्म हो जाएगा। 15-20 मिनट इसी के अंदर रखें और उसके बाद निकालें। ये देखिए ढोकला अच्छा से ठंडा हो चुका है और आप देख रहे होंगे साइड में ये थोड़ा सा इसके किनारों को छोड़ दिया है इसने। अब इसे नाइफ की हेल्प से साइड में से निकाल लेते हैं जिससे इजीली ये निकल जाए, और इस तरीके से प्लेट रख कर इसे पलटा दें। और ये देखिए ढोकला इजीली निकल गया है, बिल्कुल नहीं चिपका है, इतना अच्छा स्पंज आया है। तो इसे आप काट लेते हैं। और इसके ऊपर डालने के लिए अब तड़का तैयार कर लेते हैं। तो 2 बड़े चम्मच तेल ले लेते हैं, अच्छे से इसको गरम कर लेते हैं तेल को। तेल अच्छा गरम हो गया है तो इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच राई, 1 हरी मिर्च जिसे लंबा लंबा मैंने काट लिया है और इसके बीज को निकाल दिया है, 10-12 कड़ी पत्ता, 1 छोटी चम्मच तेल, और इसे मिक्स कर लेते हैं चम्मच से और यहाँ गैस को बंद कर देते हैं। और ये तड़का डाल देते हैं हम ढोकले पर। और अब डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया। तो इसे मैं निकाल के आपको बता देती हूँ किस तरीके का स्पंज और कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बना है हमारा ढोकला। तो तैयार है हमारा रवा ढोकला, बहुत ही अच्छा स्पंजी ढोकला बना है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, और बहुत ही अच्छा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट है। तो ये बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएगा, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।